मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं लखनऊ महाराज जी के ऑफिस में। ऑफिस तो पता है ना आपको, जहां अमर नारायण मल्होत्रा से हमने बातचीत की थी भाई। ऑफिस देख लीजिएगा, आप फोटो में देख लीजिएगा। महाराज जी अपने तख्त पे विराजमान है, तख्त की फोटो भी दिखा दीजिएगा, है ना। और वो आराम की मुद्रा में है। सूरज जी यानी अमर जी के पिताजी सूरज नारायण मल्होत्रा उनके पैर दबा रहे हैं। महाराज जी से बातें करते जा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। देखिए ये भी एक सुख होता है, अगर आप अपने माँ बाप के पैर दबा के सोते हैं, अगर आप अपने से जो बुजुर्ग हैं उनके पैर दबा के सोते हैं तो आपको बड़ा आशीर्वाद मिल जाता है। किसी बहुत बड़े पूजा जब तक की जो फलो होती है, जो परिणाम होता है, वो उतना फल मिलता है। तो आप भी करते रहिएगा। चलिए फिर मैं कथा की तरफ चलता हूं। तो महाराज जी के पैर दबा रहे हैं सूरज जी, और महाराज जी बातें करते जा रहे हैं, पर धीमे धीमे मैं भी बहुत खर्राटे लेता हूं, इसलिए मैं ले लेता हूं। तो ऐसे महाराज जी खर्राटे लेने लगते हैं। तो सूरज जी सोचते हैं कि अब तो सो गए महाराज जी, और खिसकने का मन बनाते हैं। तो कहते हैं कहाँ जा रहा है, अरे महाराज जी जग रहे हैं, फिर दबाने लगते हैं। महाराज जी बातें करते करते फिर खर्राटे लेने लगते हैं। खर्राटे लेने पर फिर सूरज जी ये सोचते हैं कि किसी तरह से अब चले हम भी सोए जाके। और जैसे ही खिसकने का मन बनाते हैं, महाराज जी कहते हैं कहाँ जा रहा है। अब तो सूरज जी के साथ ऐसा दो तीन बार होता है, जब वो खर्राटे लेने लगते हैं तो सूरज जी सोचते हैं सो गए, अब पैर तो दब गए चले। फिर जब दो तीन बार ऐसा महाराज जी ने किया तो सूरज जी तनके बैठ गए, आज हम पूरी रात दबाएंगे, सोएंगे ही नहीं। महाराज जी खर्राटे लेते, मैं जाना चाहता हूं, महाराज जी जाने नहीं देते, आज पूरी रात सोएंगे हम। महाराज जी सोएंगे, हम पैर दबाएंगे। जैसे ही ये मन में ये भाव आया, महाराज जी खर्राटे लेने के बाद कहते हैं अरे जा सूरज, सो जा, क्यों जग रहा है, सो जा। अब सूरज जी कहते हैं अभी हम जब तीन चार बार उठने को हुए, खर्राटे ले रहे थे, तब जाने नहीं दिया, और जब मैंने ये ठान लिया कि आज रात भर सेवा करेंगे तो आदेश दे दिया कि जा सो जा रहे। मित्रों पैर दबाना एक सम्मान की स्थिति है, लेकिन मन के भाव को पढ़ने वाले महाराज जी ने भाव पढ़ लिया कि अब ये पूरी रात दबाने को तैयार है, यानी पूजा करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, पूरी रात चलेगा। तो उन्होंने कहा जा सो जा, ठीक है ना। तो आप भी अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिएगा, और वो महाराज जी की तरह बुजुर्ग ये जान लें कि हाँ ये अब खूब सेवा करने वाला है, तब वो ये कहते हैं सो जा, तो उसका क्या बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। आप भी लीजिए, मैंने जिंदगी में ये अर्न किया है, अर्जित किया है, तो मुझे मालूम है इसका क्या फल होता है। फिर कभी बातें करते हैं अपने बारे में, और आज लेते हैं आपसे विदा। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट